सात समंदर पार भेजेगी जनता। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। मैं हूं अनीता और आपके साथ अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले बीजेपी पर तंज कसा था। बोला था सात समंदर पार भेजेगी जनता। आपको बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पिछले दिनों में आजमगढ़ में जनसभा संबोधित कर रहे थे और उन्होंने यह बात कही थी। और आपको बता दें कि जो एग्जिट पोल है क्या इशारा कर रही है, ये सबके सामने है। उन्होंने यहाँ ही नहीं थमे, उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी पुलिस भर्तियों के साथ साथ हम भी सुनिश्चित करेंगे कि सेना के लिए भर्तियां। और पूर्व मुख्यमंत्री ने आपको बता दें कि उन्होंने तबातोड़ कई जनसभाओं को संबोधित किया था और कई सारे जो है भाषण में कई सारी बातों को कहा था, कई सारे अनाउंसमेंट किए गए थे। अब उन्होंने आगे कहा था कि सतर्क रहने की जरूरत है। जो लोग आजकल गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, जिनको भाप निकालना है, भाजपा नेता जितने बड़े होते हैं उतना ही बड़ा झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि परिवारवादी लोग हैं, हम तो परिवारवादी लोग हैं। तो एक बात, हम लोग जब अपने घरों में शाम को जाते हैं तो बच्चों के लिए कुछ लेकर जाते हैं। ऐसे में इस बार जब बाबूजी गोरखपुर जाना तो अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट जरूर ले जाना, यह हम लोगों की सलाह है। उन्होंने कहा कि जिससे पहले से साइकिल तेज रफ्तार से चल रही है। तो एग्जिट पोल आपको बताएं कि पूरा इशारा जो है कमल की तरफ कर रहे हैं, लेकिन साइकिल दावा पूरी तरीके से जोर शोरों से कर रही है। चाहे वर्चुअल माध्यम आपको ट्विटर के जरिए बताएं या फिर ऑफलाइन बताएं, पूरी तरह से जो है सत्ता में आने से पहले अपनी जो है जीत की जो है वाहवाही मनाने को तैयार है। और लगातार लोगों से कहा जा रहा है कि उस दिन के लिए धमाकेदार तरह से जो है सपा आने वाली है, तो आप तैयार रहिए। लेकिन एग्जिट पोल जो है वो बिल्कुल ही अपोजिट दिखा रहे हैं। हालांकि इस बार आपको बता दें कि जो सपा की स्थिति है पिछली तुलना में काफी बेहतर रहा है, लेकिन अभी से जो जश्न मनाने की तैयारी है वो कल जाकर परिणाम के साथ कितना सही साबित होती है ये देखना होगा। जनता को जो है उसका कल का इंतजार है और देखना होगा कि आखिर कौन सा बबुआ किस गुल्लू के लिए बिस्किट लेकर जाते हैं और कहाँ साइकिल की रफ्तार धीमी होती है या तेज और कहाँ कमल खिलता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव था वो पूरी तरह से जो है बीजेपी और सपा के बीच में होकर रह गया था और परिणाम भी जो है वो भी उसी तरह से इशारा कर रहे हैं। जो एग्जिट पोल की मैं बात करूं आपको, तो एग्जिट पोल जो है पूरी तरह से इन्हीं बीच में इशारा कर रहे हैं। हालांकि इस बार सपा के जो परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतर है, लेकिन ये दावे जो है कितना सही साबित होंगे और साइकिल कितनी तेज रफ्तार से चलेगी, कमल कितना खिलेगा, ये तो कल सही साबित होगा और कितना गलत है वो सही साबित होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे की खबरों के अपडेट में बने रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। नमस्कार।